एपिडेमिक नहीं बोल सकते क्योंकि ये जो केसेस आए हैं ये हमारे पास हिस्ट्री आई थी कि कोई 6 बच्चे जो हैं हमारे पास हिस्ट्री आई थी कि ये डेथ हुई है जिनको फीवर था, वोमिटिंग थी। उसके बाद में लोकल क्वैक्स ने देखा हुआ है, कोई अस्पताल में दिखाया हुआ है, किसी ने नारायणा में दिखाया है, कभी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में दिखाया है, किसी ने जीएमसी में दिखाया है, कभी ऐसा भी हिस्ट्री आई है किसी ने चंडीगढ़ में दिखाया है। और ये जो हिस्ट्री डिफरेंट प्लेसेस में है, ये रफली कोई 30 किलोमीटर के एरिया में रामनगर के आसपास के बच्चे हैं। अभी मैंने हमारा ये एक सिस्टम रहता है, जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम लगती है तो हमारे पास ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डायरेक्टरेट लेवल पे टीमें रहती हैं रेडी जो जाके इन्वेस्टिगेट करती हैं। हमने ब्लॉक लेवल की टीम इमीडिएटली 2-3 दिन पहले इसको डिप्यूट कर दिया था, उनकी रिपोर्ट आ गई है, पर कोई कंक्लूडिव अभी जो फैक्ट्स हैं उसको इकट्ठा किया जा रहा है। अभी हमने डिस्ट्रिक्ट से भी एक टीम बना दी है जिसमें डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर उधमपुर, पेडियाट्रिशियन उधमपुर और फिजिशियन को भेज दिया है, ये भी फैक्ट्स इकट्ठे कर रहे हैं और ताकि और कोई ऐसा बच्चा हो उसका प्रॉपर इलाज हो जाए। इट इज़ स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन। सर, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज की तरफ से कोई बात हुई है आपकी, क्या किया? डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज से बात होगी है, वो शायद वहाँ से एपिडेमोलॉजिस्ट या उनकी टीम को भी डिप्यूट कर रहे हैं वहाँ से, ताकि ये सारी टीम हमारी जाके बेस लेवल पे, पेरिफेरल लेवल पे जाके फैक्ट्स इकट्ठे करके ये डायग्नोज करेगी कि प्रॉब्लम।